हे गाइस, वेलकम बैक टू हर्षिन ऑफिशियल। मैं हर्ष और इस नए ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज की जो वीडियो होने वाली है ये एक्चुअली उस टॉपिक के ऊपर है जब हम कनाडा मूव हो रहे हैं या होने वाले हैं, तो हमें किन बातों का ख्याल रखना है, किन चीज़ों को हमें बिल्कुल अपने दिमाग में सेट कर लेना है मूव होने से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है थिंग्स यू शुड नो बिफोर मूविंग कनाडा। तो पहले पॉइंट से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो पहला पॉइंट है यू विल बी वेरी अलोन। आप यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा अकेले होने वाले हो। आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, अपना जो एक सर्कल था आप उन सबको पीछे छोड़ के और आप बिल्कुल नई जगह पर जा रहे हो। तो आप अपने थोड़ा सा टाइम लगाओ कम्युनिटी के साथ। आप कोई फंक्शन होता है, कुछ होता है, तो आप वहाँ पर जाकर नए फ्रेंड्स बनाओ। जैसे हम लोग मीटअप करते हैं तो वहाँ पर आओ, नए फ्रेंड्स बनाओ। छोटे बिल्कुल छोटे जो गैदरिंग होती रहती है वहाँ पर जाकर भी आपको बहुत सारी चीज़ों का पता लगेगा। तो नेवर सिट बैक एट होम। और ये मत सोचो कि घर पे आकर आपसे कोई मिलेगा, किसी के पास नहीं है टाइम। कोशिश करो आप घर से बाहर निकलो, आप लोगों के साथ थोड़ा सा एंगेज करो तो आपको भी अच्छा लगेगा। भाई, मेरे को कोई काम है बात नहीं, उधर। काम बाद में कर उधर लेना। कपड़ा बर्तन सब धोने का भाई। तू तो आ। तो आज की वीडियो का दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है स्टार्ट फ्रेश इन कनाडा। आपको लाइक अगर हम इंडिया में डॉक्टर, इंजीनियर या किसी भी फील्ड में थे, कोई सेल्स की कंपनी थी, कुछ भी हो, आपको यहाँ पर आते ही आपको सेम जॉब सेम चीज़ नहीं मिलेगी। आपको कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, चाहे वो टिम हॉर्टन में हो, चाहे वो किसी वेयर हाउस में आप काम कर रहे हो, कुछ भी हो, अपने अपने दिमागों में सब में सेट करना पड़ेगा कि हाँ हमें जाकर ऐसा भी शुरुआत करनी पड़ेगी। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। हम धीरे 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 अगर लेवल अप करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको भी चीज़ें पता लगेंगी, टाइम के साथ सब कुछ ग्रो होता है, लेकिन बेस आपको यहाँ पर आकर शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जो वीडियो का थर्ड पॉइंट है वो है क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है। और उधार तो लेना नहीं है, पैसा एडवांस में लेके जाना, समझा? एक बात बताओ। हाँ यहाँ पर ना सब कुछ, आपको गाड़ी लेनी है कैश ले सकते हो बट उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो हमें क्रेडिट कार्ड जरूर लेना है, उसको आप उतना ही यूज करो जितना आप साथ मतलब एक हफ्ते में या फिर मैक्सिमम 10 डेज के अंदर अंदर आप पे आउट कर सको। लाइक मेरे पास भी बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हैं, सारे यूज करता हूँ मैं। 10 10 डॉलर तो हर हफ्ते या हर सेकेंड हफ्ते में मैं उसमें से खर्च करता हूँ ताकि वो मेरा क्रेडिट स्कोर बढ़ता रहे। और अगर आपका क्रेडिट स्कोर नहीं होगा, कल को आप घर लेने जाते हो, कल को आप गाड़ी लेने जाते हो, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। ये पॉइंट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे अभी जैसे नए कपल यहाँ पर हमारे यहाँ पर मूव हुए हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमें गाड़ी लेनी है। तो मैंने जब उनको पूरा सिस्टम बताया तो दे वॉज लाइक के नहीं, हमें कैश पे लेनी है। इंस्टेंट ऑफ आप अपना पूरा कैश दे दो, आपको फिर भी टैक्स तो देना ही है, सब कुछ देना ही है। जब तक आपको लोन अप्रूव नहीं होगा, जब तक आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं होगा, ठीक है। और सारा कैश देने के लिए हमेशा मैं तो मना करता हूँ, अपने पास भी इमरजेंसी फंड या कुछ भी हो, चाहे इमरजेंसी मत कहो, आपके पास कुछ भी कैसे भी करके कुछ फंड्स बचा कर रखो हमेशा, आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा काम आएंगे वो ना। तो क्रेडिट कार्ड जरूर यूज़ करो लेकिन साथ ही साथ पे आउट कर दो। तो जो फोर्थ पॉइंट है वो है टैक्सेस का। टैक्स जो कनाडा के अंदर है दे आर वेरी वेरी हाई। तो जब भी आप कहीं पर काम करते हो, सैलरी आती है, तो एक बहुत अच्छा बड़ा चंक अमाउंट आपका टैक्स में चला जाता है, ठीक है। तो हमें उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। हम अभी मैं भी कभी कभार क्या कैलकुलेट करता हूँ कि अच्छा ये सैलरी है, इतने घंटे काम है, बट मैं वो टैक्स भूल जाता हूँ। तो वो टैक्स हमें कट कर ही पैसे मिलेंगे, उसके हिसाब से ही हमें अपने खर्चे, अपने जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे कोई हमें बड़ी गाड़ी लेनी है, बड़ा घर लेना है, तो हमें वो चीज़ें मैनेज करके चलना पड़ेगा। हाँ, तो और इंडिया की तरह हम टैक्स में कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पर कर सकते हैं, दो तीन चीज़ें हैं, बट एक अच्छा बड़ा अमाउंट टैक्स में जाएगा। तो मेक श्योर तो कि जो अपने हमारी नीड्स और डिज़ायर हैं हमें उसमें थोड़ा सा गैप रखना पड़ेगा ताकि हम कल को कुछ चीज़ ठीक कर लें। तो मेक श्योर कि आपको पता हो हाँ टैक्सेस हैं यहाँ पर। जो फिफ्थ पॉइंट है वो है मतलब
यहाँ पर ना कोई भी डोमेस्टिक हेल्प नहीं है। मतलब हम इंडिया में थे या फिर कहीं पर भी थे तो हमारे घर पे कपड़े धोने वाली अलग आती थी, झाड़ू पोछे वाली अलग है, या फिर खाना बनाने वाली अलग है। यहाँ पर हमें सब कुछ खुद ही करना है, खुद ही मैनेज करना है। अगर आप रख सकते हो, बाहर से भी बुला सकते हो, सब कुछ है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो बिल्कुल अपने मतलब मैंने बहुत टाइम बाद ये एडिप्ट कर लिया था, हाँ मुझे ही करना है। तो अब मैं खुद झाड़ू भी लगाता हूँ, कपड़े भी धोता हूँ, बर्तन भी धोने हैं, सब कुछ खुद ही करना है। तो क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये एक कॉन्सेप्ट अपने प्लीज 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 सोच कर आओ कि हाँ सब कुछ करना पड़ेगा। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लॉन्ग रन, और जो जगह है वो बहुत दूर दूर हैं, क्योंकि कनाडा अगर आपको पता हो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, राइट। तो अब जैसे हम जहाँ पर रहते हैं, सुसेंट मेरी से टोरंटो जाने के लिए हमें ऑलमोस्ट 6.5 7 आवर्स लग जाते हैं बाय रोड। तो हमें ये बिल्कुल दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि अगर हमें कहीं जाना है तो बहुत बहुत दूर पर जगह है जहाँ पर आप कुछ कर सकते हो। लाइक हमारे यहाँ पर अगर मुझे अभी टोरंटो घूमने जाना हो तो मुझे पहले 7 घंटे की मैं ड्राइव करूँगा, फिर मैं वहाँ पर जाकर घूमूंगा। तो वो चीज़ बिल्कुल पता होनी चाहिए कि हाँ हमारे पास इतना टाइम है कि हम अगर हम छोटी सिटी में अगर मूव हो रहे हैं या फिर कहीं और मूव हो रहे हैं, तो अगर हमें कल को कुछ काम होता है, कुछ होता है, हमें बड़े बड़े सिटी जाना पड़ रहा है, जैसे टोरंटो हो गया, ब्रैम्पटन हो गया, तो हम वो 7 घंटे बेयर कर सकते हैं? नहीं। तो प्लेसेस बहुत दूर दूर है। तो ये याद रखो या फिर ये बिल्कुल दिमाग में रखो कि हाँ हमें बहुत लंबे लंबे रूट्स तय करने पड़ेंगे, हमें 7 7 8 8 घंटे दूर ड्राइव करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे इस वीडियो का, जब भी आप मूव हो रहे हो उससे पहले अपने दिमाग में लगा लो कि हाँ हम एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं, अगर हम इंडिया में कोई, जैसे मैं दिल्ली से था, मैंने कभी बर्फ़ नहीं देखी थी, बात तो सही है। यहाँ पर आपको हर सीज़न में अच्छी खासी बर्फ़ देखने को मिलेगी। तो बहुत ज़्यादा ठंडी कंट्री है, बहुत ज़्यादा माइनस में जाता है टेम्परेचर, प्लस यहाँ पर 28 तक होता है, बट 28 30 लास्ट अभी तक मैंने देखा था, 30 में मतलब आपकी स्किन बर्न होनी चालू हो जाएगी, इतनी गर्मी होती है। और -40 मैंने लास्ट विंटर में देखा था, तो उसमें बिल्कुल हाथ पैर जम जाएंगे। तो ओवरऑल द पूरी कंट्री बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो ये अपने अपने एक बार सोच के आराम से फिर डिसाइड करना कि यहाँ पर आना है या क्या करना है। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। तो जो लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का एक्चुअली, तो वो है यहाँ पर ना बहुत फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पर बहुत सारे आउटडोर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हैं करने के लिए, तो हमें जाकर वो चीज एक्सप्लोर करनी है, हमें थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव होना है अपनी हेल्थ को लेके, अपने चीजों को लेकर। तो घर से बाहर भी निकलना, इन दिल्ली में मैं कभी नहीं हाइकिंग पे गया है भी नहीं और गया भी नहीं, या फिर मैं कभी स्नो पे इतना ट्रैकिंग करके नहीं गया। तो वो सारी चीज़ भी हमें देखनी है, हमें जाकर उसको एंजॉय करना है डिप्रेशन में जाने की बजाय। तो मेक श्योर ये जो सारे पॉइंट थे आपको याद हो, आप अपने सेट करके रहो। और ऐसा नहीं है कि अगर -40 है तो हाय मैं ठंड के मारे कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होता, सब जगह हीटेड है, सब जगह आपको जैकेट्स मिल रही है, आपको विंटर के पूरे गेयर मिल रहे हैं, तो वो पहनो, वो सब करो और यार घूमो अपना अच्छे से। लेकिन ये सारे पॉइंट याद रखना कनाडा आने से पहले, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले बाय।